मेडिकल कॉलेज में आंख के नीचे वाली पलक का हुआ सफल ऑपरेशन, एक घंटे चली सर्जरी। शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में एक युवक का आंख के नीचे वाली पलक का ऑपरेशन हुआ है। आपको बता दें कि ये ऑपरेशन की सर्जरी है, एक घंटे तक चली, जिसके बाद सफल ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रितु चतुर्वेदी द्वारा किया गया। मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर चतुर्वेदी, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ, उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में सोमवार को एक युवक को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था, जिसका नाम शिवेंद्र केवट है। वहीं शिवेंद्र केवट की आंख के नीचे वाली पलक आंख से अलग हो गई थी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में सफलतम ऑपरेशन युवक का किया गया। एक घंटे की सर्जरी बारीकी से करने के बाद युवक का सफल ऑपरेशन किया गया। मेरा नाम है डॉक्टर रितु चतुर्वेदी। मैं यहाँ नेत्र रोग विभाग जीएमसी शिवपुरी में सहायक सह प्राध्यापक तौर पर पदस्थ हूँ। मैडम, आपके यहाँ नेत्र विभाग में एक मरीज की लिड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की गई, लिड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की गई थी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मरीज मेरे पास परसों आया था, इसको हमने भर्ती किया। इसकी पूरी नीचे की जो पलक थी वो कट फट गई थी, जिसकी वजह से इसके आंसू की नली डैमेज हो गई थी। तो मैंने इसका ऑपरेशन किया, सफल उपचार किया, ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। और आगे भी मेरी यही अनुरोध रहेगा कि चूंकि मेरी अभी ओटी की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, तो ओटी की कंडीशंस जितनी ज़्यादा बेहतर की जा सके, तो हम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को सुविधाएँ देंगे और आगे अच्छा कार्य करेंगे। मैम, जी आप बता रहे थे ये गरीब है जो मरीज था, जो काफी गरीब था, इस कारण आपने उसका उपचार किया? हाँ, ये मरीज जो था वो काफी गरीब था और हम इसको इधर उधर रेफर भी नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने जो भी परिस्थितियां मेरे यहाँ मौजूद थी उन मौजूदा परिस्थिति में मैंने इसका बेस्ट उपचार करके इसको सही किया। ठीक।